Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by BrainRoot Class 5. So today we are doing Chapter 4, Working with Slides. So you have done in 4th class. So now we are doing kuch advance karte hain isme. Kaise work kar sakte hain? Kya formatting kar sakte hain? So let's see. So in this chapter you will learn adding a slide. Deleting a slide, कोई slide हमें delete करनी है या फिर add करनी है, what to do, formatting text in a slide, slide में कोई text है उसको कैसे format कर सकते हैं, and adding objects. So before we begin, write down the steps of starting PowerPoint 2021 in your notebook. You know very well how to start PowerPoint, so you can do it now. Adding a slide. So while creating a presentation, sometimes you need to insert new slides in it. Suppose हमने एक presentation बना ली है, उसको देखने के बाद हमें लगा कुछ इसमें changes करना है, कुछ add करते हैं या delete करते हैं. So whenever you insert a new slide, first select its layout. Suppose हमने कुछ slide add करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेआउट सेलेक्ट करेंगे. देर आर वेरियस लेआउट्स अवेलेबल फॉर अ स्लाइड दैट कैन होल्ड टेक्स्ट, टाइटल्स, बुलेटेड लिस्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, आइकन्स एंड वीडियोज. टू एड अ न्यू स्लाइड, डू द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द स्लाइड आफ्टर विच यू वॉन्ट टू एड अ न्यू स्लाइड. हमें वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जिसके बाद हमने न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, ऐड करना है. ओके, सो देन सेकेंड स्टेप, इफ यू वांट दैट द न्यू स्लाइड शुड हैव द सेम लेआउट एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब. अगर हमने स्लाइड का लेआउट चेंज नहीं करना, जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसका जो लेआउट है प्रीवियस स्लाइड जैसा ही रखना है, तो आपने क्या करना है, होम टैब पे जाके स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना है. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये न्यू स्लाइड, होम टैब यहाँ पर है और यहाँ पर इंसर्ट के नीचे क्या है, ये न्यू स्लाइड. Okay, so then if you want your new slide to be based on any other slide layout, click on the new slide drop down arrow. Suppose आपने layout change करना है new slide का, तो आपने drop down arrow पे select कर देना है. Then select the desired slide layout. तो आपके पास slides आ जाएंगी, उसके layouts आ जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है you can select it. Now PowerPoint will add a new slide with the selected layout in the slides pane. It can also be seen in the slides navigation pane on the left. जो भी आप choose करेंगे, select करेंगे, वो आपका slide pane पे आ जाएगा, means center पे आ जाएगा, और slide navigation pane left side पे भी उसका outlet आपको दिखाई देगा. Fine. Now changing slide layout. You can also change the layout of the existing slide that matches your requirement. To do so, follow the given steps. अगर हमने कोई स्लाइड हमने बना भी ली है, उसका हमने लेआउट चेंज करना है, then what to do? The first one, select the existing slide in the slide navigation pane. आपको पता है स्लाइड नेविगेशन पेन में आपके पास टंबर नेल आता है सारी स्लाइड्स का लेफ्ट साइड पे, तो आपने उसमें से सेलेक्ट करना है उसको. देन क्लिक ऑन होम लेआउट और राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द स्लाइड, चूज अ लेआउट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेआउट. तो आपने क्या करना है, आपने लेआउट, होम लेआउट पे जाकर राइट क्लिक करना है या फिर ब्लैंक एरिया पे, देन चूज अ लेआउट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेआउट. जो भी आपने सेलेक्ट करना है आपने उसको चूज कर लेना है. फाइन. देन डिलीटिंग अ स्लाइड. अब आपके पास क्या है,
to delete a slide from your presentation, do the following. आप क्या करेंगे अगर आपने कोई स्लाइड को डिलीट करना है. राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वॉन्ट टू डिलीट इन द स्लाइड नेविगेशन पेन, या फिर स्लाइड नेविगेशन पेन पे राइट क्लिक करो जो भी स्लाइड आपने डिलीट करनी है, एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट स्लाइड ऑप्शन. फिर आपने क्या कर देना है, डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है स्लाइड नेविगेशन में, फिर डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. या फिर व्हाट टू डू, सिलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट की. स्लाइड को सिलेक्ट किया और डिलीट की को प्रेस कर दिया. फाइन. नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड. अब हमें स्लाइड में जो हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको फॉर्मेट करना है, चेंज करना है. अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड एम्फिसाइज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कुछ इम्पॉर्टेंट हमें दिखाना है, उस पर स्ट्रेस देना है, तो हमें क्या करना है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं. सो सिमिलर टू वर्ड, पावर पॉइंट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल फॉर्मेटिंग फीचर्स टू ब्यूटिफाई द टेक्स्ट इन अ स्लाइड. ऐसे ही हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स में अपने जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, उसको हम और ब्यूटीफुल बना सकते हैं इफेक्ट्स डाल के. सो व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके पास वही सेम यहाँ पे फाइल है, होम है. ठीक है, होम पे जाके आपको नीचे ये सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं. इसमें हमारे पास शेप फॉर्मेट भी है, इसमें आपके पास पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फिर लेआउट, रीसेट, न्यू स्लाइड वाली ऑप्शन है. इसमें सारे फॉन्ट साइजेस का है. सो और इसमें पैराग्राफ ग्रुप है जिसमें अलाइनमेंट सब कुछ होता है. इसमें ड्राइंग है, डिफरेंट शेप्स हैं. ओके, एंड यहाँ पर क्या है आपके पास, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, जो भी आपने एडिटिंग करनी है. तो लाइक दिस यू कैन सी. नाउ हियर चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल. अब हमें फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है. सो टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स. सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, जिसको चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. देन द सेकेंड, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. जैसे एज आई टोल्ड यू, होम टैब पे आपको दिखाई देंगे उसके बाद फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट सेकेंड वन. इसमें आप क्या करेंगे, फॉन्ट बटन पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में. तो फॉन्ट बटन में जाएंगे और जो भी हमें चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग वी कैन डू इट. देन सेलेक्ट एनी फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ऑब्जर्व द चेंज. तो जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है चेंज होने के लिए, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हमारी, जो भी हमारी चॉइस है. ओके, देन चेंजिंग फॉन्ट साइज. यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स. नाउ द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट साइज नीड्स टू बी चेंज. पहले हमें वही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है. देन द सेकेंड वन, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज. अगर हमने फॉन्ट चेंज किया तो हम फॉन्ट पे गए. अब हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है तो हम फॉन्ट साइज पे जाएंगे. ओके, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज. तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम फॉन्ट साइज सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा. और व्हाट यू कैन डू, क्लिक ऑन द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन और decrease font size button in the font group to increase or decrease the font size respectively. एक आप font size button पे जाके कर सकते हैं, अपने according size choose कर सकते हैं. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने size increase करना है या फिर decrease करना है तो उसमें वो भी option है, तो आप उन पर भी click कर सकते हैं. right? Now changing font case. अगर हमें case change करना है, means कैपिटल में लाना है या लेटर्स को स्मॉल, जैसे भी करना है, देन व्हाट टू डू, टू चेंज द फॉन्ट केस फॉलो दी स्टेप्स. द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट,
click on the drop down arrow next to the change case button in the font group on the home tab. अब वही हम फॉन्ट में ही होम टैब पे ही फॉन्ट ग्रुप में ही चेंज केस पे आ जाएंगे. ठीक है, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड केस फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑप्शन. तो उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जो भी आपने चूज करनी है यू कैन चूज दैट वन. राइट, नाउ चेंजिंग अलाइनमेंट. नाउ अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड. मीन्स हमने टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखना है या राइट में लेना है या सेंटर में लेना है या जस्टिफाई लेना है, तो इट डिपेंड्स ऑन आर चॉइस. तो अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड. यू कैन एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू सी हाउ इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्लाइड. सो वर्टिकल अलाइनमेंट, you can change the text alignment to top, middle, bottom, top centered, middle centered or bottom centered in the text box in a slide. आपने जैसे भी उसको change करना है आप कर सकते हैं. वो किसके under आता है? Vertical alignment means top, middle, bottom, top centered, bottom centered, middle centered. Fine. The first step, what to do? Select the text. टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द अलाइन टेक्स्ट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. ऐसे जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था होम के बाद देयर वर सो मेनी ऑप्शन, उसमें एक पैराग्राफ ग्रुप है जहां पे आप जाएंगे अलाइन टेक्स्ट पे. फाइन, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स. तो जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. वो था वर्टिकल अलाइनमेंट, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की. यू कैन अलाइन द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड चूजिंग एनी वन ऑफ द डिजायर्ड ऑप्शन. अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई which are available in the paragraph group on the home tab. Same, paragraph group में home tab पे ही ये आपके पास options होंगी. तो जो आपने करना है उसके according you can do. Now, creating bulleted and numbered list. अब हमने bullet जैसे sign कोई भी symbol देना है या फिर number लगाना है, then what to do? To create bulleted and numbered list, follow the given steps. So which steps you have to follow? Select the paragraph to which you want to apply bullets. जहाँ पे हमें bullets डालने हैं हमें वो paragraph select कर लेना है. या फिर what to do? Place the cursor at the location where you want to apply bullets. या फिर cursor को वहाँ place कर दो उस position पे जहाँ पे bullets आपने डालने हैं. Now click on bullets or number in drop down arrow in the paragraph group on the home tab. Same, आप home tab पे paragraph group में आप click करेंगे bullets या फिर numbers according to your choice or your requirement. Then select the desired list style from the displayed option. तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको style लेना है, you can choose that one. Fine. Now using format painter, just like in Word, format painter allows you to copy the formatting effects from one object to another in PowerPoint too. जैसे हम Word में use करते हैं painter, ऐसे ही हमारे पास PowerPoint में है format painter. हम क्या कर सकते हैं, कोई भी formatting effect से किसी object का हम वहाँ से copy करके दूसरे में डाल सकते हैं. It picks all the formatting from your first object, whether it is a shape, picture or piece of text, and applies it to another one. To copy the formatting effect, follow these tips. The first one, select the text formatting that you want to copy. जो हमें copy करना है उसको हम select कर लेंगे. Then the second one, click on the format painter button in the clipboard group on the home tab. आपको मैंने home tab पे कई सारी option दिखाई थी, उसमें एक clipboard group है जिसपे आप
फॉर्मेट पेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उस बटन पे क्लिक करेंगे। देन द थर्ड वन, द पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंट ब्रश आइकन। जैसे आइकन दे रखा है ब्रश का, पेंट ब्रश, ऐसे जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा ब्रश आइकन में। नाउ होल्ड डाउन द माउस एंड ड्रैग इट टू ओवर द टेक्स्ट ऑन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द इफेक्ट एंड रिलीज द माउस बटन। आपने उसको माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेना है और फिर बटन को रिलीज कर देना है। फाइन, नाउ एडिंग ऑब्जेक्ट्स, यू कैन एड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड टू एनहांस इट्स लुक। आप स्लाइड की लुक को चेंज करना चाहते हो, उसको और ब्यूटीफाई करना चाहते हो, तो आप उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। हाउ टू डू इट, सी, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। The word art feature helps you to create special or decorative text. जैसे name से clear है word art means words में art करना, तो this feature helps you to create special or decorative text. It gives a unique look to the text. By using word art, you can make the text curved, wavy, shadowed or apply 3D effects. आप उसको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, कर्व शेप में, वेव में, या शेडो में, या 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। सो हाउ टू डू इट, द फर्स्ट स्टेप, ऑन द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप। आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप होगा जिसमें आप वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द वर्ड आर्ट गैलरी ओपन्स ऑन द स्क्रीन। देखो ये वर्ड आर्ट बटन है, इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये गैलरी ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट एनी वर्ड आर्ट स्टाइल, जो भी आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टाइप वेलकम इन द प्लेस होल्डर बाय रिप्लेसिंग द टेक्स्ट योर टेक्स्ट हेयर। ओके, तो आपने क्या करना है उसमें वेलकम टाइप, जैसे ये प्लेस होल्डर आ जाएगा आपके पास दिस वन, यहाँ पे आपने क्या करना है वेलकम टाइप कर देना है। ये सारे इफेक्ट्स हैं, वर्ड स्टाइल्स हैं, ठीक है। नाउ देर इज वन एक्स्ट्रा बाइट गिवन ओवर हियर, प्रेस एंड रिलीज ऑल्टरनेट एन एंड देन डब्ल्यू टू सेलेक्ट वर्ड आर्ट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन अप्लाई वेरियस टेक्स्ट इफेक्ट्स टू द अबव टेक्स्ट बाई यूजिंग द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप ऑन द शेप फॉर्मेट टैब। द स्टेप्स आर एज फॉलो। आपके पास क्या है, एक शेप फॉर्मेट टैब है, आपने इसको चूज किया। द फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड ऑब्जर्व द चेंज। आपके पास यहाँ पे थ्री ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट। The first one is text fill. So click on the text fill drop down arrow, select the desired color and observe the change. आपने अपने according color को select करना है, फिर आप उसमें change देख सकते हैं। Then the second one, click on the text outline drop down arrow. जो next है वो क्या है, text outline है, आप उसको click करेंगे। Choose the desired outline from the displayed list. ऐसी लिस्ट आ जाएंगी, आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। द थर्ड इज, नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो, पॉइंट टू द 3D रोटेशन ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सेक्शन एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द टेक्स्ट। तो शेप फॉर्मेट टैब पे आपके पास ये थ्री ऑप्शन आ जाएंगी, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट फिल को हम ओपन करेंगे तो जो भी हमें देना है इफेक्ट हम चूज कर लेंगे। ऐसे ही टेक्स्ट आउटलाइन है, उसमें भी देर आर सो मेनी ऑप्शंस, वी कैन चूज। एंड सिमिलरली टेक्स्ट इफेक्ट में भी हम अपने अकॉर्डिंग चूज करके आप देख सकते हैं, जो भी इफेक्ट आप दे रहे हैं वो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। फाइन, सो नाउ इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। Sometimes you may have to add more text than the area provided for entering text in the slide. Suppose आपने और text, आपको और area ज़्यादा चाहिए text enter करने के लिए, then what to do? The text box button gives the facility to add more text to your slide.
A text box is a placeholder where you can enter and manipulate the text. You can move the text box along with its content anywhere on the slide. To insert a text box, follow the given steps. आपके पास एक प्लेस होल्डर आ जाएगा, उसमें आप अपना टेक्स्ट जो भी आपने करना है वो लिख देंगे, तो अपने आप स्क्रीन पे वैसे ही चलता जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू, द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन वाइल ड्रैगिंग द माउस डायगनली टूवर्ड्स राइट and release the mouse button. Okay, then you will get a rectangular box on the slide with the cursor. Enter the text, say this is a text box. So if the text is long, suppose text ki jo jyada hai usme lengthy hai, then what to do? It automatically adjusts and shift the text to the next line, keeping the box area in view. अपने आप वो adjustment उसमें हो जाएगी. Now, inserting pictures. It is rightly said that a picture is worth 1000 words. 1000 words को express करना है तो एक picture is sufficient. So, an image of a subject conveys its meaning more effectively than its text description does. So you can insert pictures in a presentation by clicking on the insert tab and selecting the picture option from the images group. Insert tab में images group से picture option आप select कर सकते हैं, because pictures are more effective than words. So there are 3 ways to insert a picture. अब 3 methods we have. The first one, inserting a picture from a file. किसी file से हम picture ले रहे हैं. To insert a picture from a file, follow these steps. Click on the insert tab. Select the picture, this device option in the images group. देखो आपके पास जब आपने picture पे select करेंगे तो आपके पास ऐसे option आ जाएंगी. Insert pictures from this device means from your PC only. From stock images and from online pictures. So, the first one, click on the insert tab, select the picture, this device option in the images group. The second, the insert picture dialog box appears, select the desired picture from the desired location of your computer and click on the insert button. जब आपने this device पे क्लिक किया तो आपके पास picture जो भी डिवाइस पे अवेलेबल है वो आ जाएंगी स्क्रीन पर. आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. आप क्लिक कर देंगे इंसर्ट बटन पे तो ऑटोमेटिकली द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी एडेड इन द स्लाइड. ओके, द सेकेंड इज इंसर्टिंग स्टॉक इमेजेस. एज आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड, दिस डिवाइस के नीचे क्या था? Stock images. So to insert picture from the stock of images, follow the given steps. Click on the insert picture stock images option. The stock images window will open. Window open ho jayegi aapke paas. Choose a theme from the stock images window. You can also type your search term in the search bar. Aapke paas ye stock images window display ho jayegi, जिसमें आप देख सकते हैं देर आर सो मैनी इमेजेस, सो मैनी पिक्चर्स. और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो यहाँ पे सर्च बार है. स्टॉक इमेजेस में इमेजेस है, उसके नीचे सर्च बार है. आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं, देन यू विल गेट इट. नाउ सेलेक्ट अ पिक्चर और मोर पिक्चर्स फ्रॉम द गैलरी ऑफ इमेजेस एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इंसर्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे. द सिलेक्टेड पिक्चर्स विल बी एडेड इन योर स्लाइड. यू कैन ड्रैग द हैंडल्स ऑफ द पिक्चर टू रीसाइज इट एंड प्लेस इट एट द डिजायर्ड पोजीशन. ओके, इसको हम ड्रैग करके इसकी डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं. Now the third method is inserting online pictures.
सो टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट, जैसे नेम से क्लियर है ऑनलाइन, तो हमें पिक्चर्स कहाँ से लेंगे, इंटरनेट से. फॉलो दीज स्टेप्स. तो जो थर्ड ऑप्शन आई हैव शोन यू, हम उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन. टाइप अ सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स, से कंप्यूटर अ गैलरी ऑफ इमेजेस रिलेटेड टू द सर्च आइटम विल बी डिस्प्लेड. सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. द इमेज विल अपीयर ऑन द सेलेक्टेड स्लाइड. जो आपने ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें क्या है, सर्च बटन भी है. आपने जो भी सर्च करना है उसमें आप टाइप कर सकते हैं. यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया है तो यहाँ पे सो मैनी इमेजेस यू कैन सी. जो भी आपने चूज करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे. फाइन. नाउ इंसर्टिंग शेप. शेप्स इज अ ड्रॉइंग फीचर दैट हेल्प्स इन इंसर्टिंग डिफरेंट शेप्स इनटू अ स्लाइड. इट्स अ ड्रॉइंग फीचर जिससे हम स्लाइड में डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं. शेप्स कैन बी रीसाइज, रोटेटेड, फ्लिप्ड एंड कलर टू. शेप्स को हम रीसाइज, उनका साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं. टू इंसर्ट शेप्स फॉलो द स्टेप्स. द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. जो इंसर्ट टैब है उसमें हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है जिसमें क्या है, शेप बटन. हमें उस पर क्लिक करना है. यू विल सी डिफरेंट कैटेगरीज लाइक लाइन्स, रेक्टेंगल्स, फ्लो चार्ट्स एटसेट्रा. आप देखो यहाँ पे टैब्स गिवन है. दिस इज फाइल, होम, इंसर्ट. इंसर्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आ गए हम इलस्ट्रेशन ग्रुप में, जहाँ पे हमने शेप्स पे क्लिक किया तो आपके पास सो मैनी शेप, सो मैनी टाइप्स, लाइक लाइन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, सो मैनी थिंग्स. सो सेलेक्ट अ शेप, द पॉइंटर चेंजेस टू अ प्लस साइन. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द स्लाइड वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस द ऑब्जेक्ट. क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ. रिलीज द माउस वंस कंप्लीटेड. तो हमने जो भी इसमें सेलेक्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे हमारे स्लाइड नेविगेशन पैन में हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली हम इसको ड्रैग कर सकते हैं. नाउ एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप. यू कैन ऐड टेक्स्ट इन अ शेप. राइट क्लिक ऑन द शेप एंड सेलेक्ट एडिट टेक्स्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स इन साइड द शेप. नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन साइड द शेप. हम शेप के अंदर हमें कुछ टाइप करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. राइट क्लिक ऑन द शेप एंड सेलेक्ट एडिट टेक्स्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. तो इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा शेप के अंदर, फिर हम अपना टाइप कर सकते हैं जो भी हमें टाइप करना है शेप के अंदर. राइट. नाउ अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स टू शेप्स. यू कैन अप्लाई द शेडो इफेक्ट्स टू एनी शेप. किसी भी शेप को हमें शेडो इफेक्ट देना है. इट विल मेक द शेप इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस. सो वॉट टू डू, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट अ शेप. नाउ क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट्स ऑप्शन ऑन द होम टैब इन द ड्रॉइंग ग्रुप. होम टैब में ड्रॉइंग ग्रुप होगा जिसमें हम क्लिक करेंगे शेप इफेक्ट्स पे. दिस इज द शेप इफेक्ट्स. ठीक है. देन सेलेक्ट द शेडो ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, सो मैनी ऑप्शन आते हैं. तो इसमें आपके पास शेडो ऑप्शन अवेलेबल है. राइट. अब इस पर क्लिक कर लेंगे. क्लिक ऑन द ऑफसेट सेंटर ऑप्शन इन द आउटर सेक्शन ऑफ द कैस्केडिंग मेन्यू. आपने क्या किया, आपके पास जब आपने शेडो पे क्लिक किया तो ऐसे आ जाएगा आपके पास. तो आपने क्या करना है, सेंटर क्लिक ऑन द ऑफसेट सेंटर ऑप्शन इन द आउटर सेक्शन ऑफ द कैस्केडिंग मेन्यू एंड देन द सिलेक्टेड इफेक्ट विल अपीयर ऑन द शेप.
तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी आपने इफेक्ट सेलेक्ट किया है वो शेप पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ऑफसेट सेंटर एंड आउटर सेक्शन, ठीक है। जब आप इसको करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग द शिफ्ट की एंड क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। नाउ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, अब अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो कैसे करना है। टू रोटेट अ पिक्चर और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन, सिलेक्ट द पिक्चर शेप वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वॉन्ट टू रोटेट। रोटेशन हैंडल अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टॉप पे रोटेशन हैंडल आ जाएगा। क्लिक ऑन द रोटेशन हैंडल एंड ड्रैग इट इन द डायरेक्शन इन विच यू वॉन्ट टू रोटेट द शेप। आपने कैसे करना है, क्लॉक वाइज करना है या एंटी क्लॉक वाइज करना है, आपने उस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कर देना है उसको रोटेट। देन यू कैन ऑल्सो रोटेट अ पिक्चर और एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द रोटेट ऑप्शन। फॉर दिस सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द शेप फॉर्मेट टैब। जो भी हमने शेप फॉर्मेट टैब किया था उसमें रोटेशन ऑप्शन भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इन द अरेंज ग्रुप क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज चूज द डिजायर्ड रोटेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम रोटेटिंग एन इमेज यू कैन फ्लिप इट बाय यूजिंग द फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द रोटेट ऑप्शन अंडर अरेंज ग्रुप शेप फॉर्मेट टैब। शेप फॉर्मेट में अरेंज ग्रुप है जिसमें रोटेट ऑप्शन है, उसके अंडर फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल भी है, तो आपने जैसे उसको करना है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, फाइन। नाउ रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है। टू एडजस्ट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर फॉलो द स्टेप्स। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वॉन्ट टू रीसाइज, हमें वो। Now resizing an object, to adjust the size of an object or picture follow these steps. The first one, select the object that you want to resize, हमें वो object select करनी है जिसको हमें size change करना है। The second one, bring the pointer to any of the 8 resizing handles on the selected object, यहाँ पे 8 handles आ जाएंगे आपके पास, तो आप कहीं पर भी पॉइंटर जैसे भी आपने करना है पॉइंटर ला सकते हैं। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो ड्रैग द हैंडल इनवर्ड्स टू डिक्रीज एंड आउटवर्ड्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ शेप। जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा डबल हेडेड एरो में, आप उसको अंदर लाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप उसको बाहर लेके जाएंगे तो शेप का साइज इंक्रीज हो जाएगा। If you want to resize the object by keeping the center of an object in the same place, then hold down the control key as you drag. Okay, I hope it's clear to you. The next is inserting 3D models. In PowerPoint, you can add some additional objects like icons and 3D models. Let us learn how to add 3D models in a PowerPoint presentation. To add a 3D model to your presentation, follow the given steps. अगर हमें कोई 3D models insert करने हैं then what to do? The first step, click on the insert tab and select 3D models in the illustration group. हमने insert tab पे क्लिक किया तो उसमें illustration group होगा जिसमें से हमें 3D models को select करना है। Then from the drop-down menu, select stock 3D models or this device option. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे new slide, table, picture, screenshot, ये आपके पास आ गया 3D model. This is insert और यहाँ पे illustration group में क्या आ गया आपके पास 3D model. जब आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास ये available होगा, this device and stock 3D models. The online 3D models dialog box will open. Choose a category, for example, dinosaur. आपके पास क्या हो जाएगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑनलाइन 3D models.
सपोज हमने डायनासोर चूज किए हैं तो डायनासोर पिक्चर्स आर अवेलेबल. देन सेलेक्ट अ 3D मॉडल ऑफ योर चॉइस एंड डबल क्लिक ऑन इट टू इंसर्ट इन अ स्लाइड. तो जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा. फाइन. नाउ कंप्यूटर मैनर प्रिकॉशंस टू बी टेकन विद पावर केबल्स एंड सॉकेट्स. द फर्स्ट वन, डू नॉट टच एनी पावर केबल्स. द सेकेंड वन, द पावर केबल्स शुड बी वेल इंस्टॉल्ड. इफ यू सी एनी डैमेज रिपोर्ट इट टू द टीचर. कोई भी वायर बाहर आ रही है, कुछ भी है, देन टेल टू योर टीचर. डू नॉट पुट योर फिंगर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन टू द पावर सॉकेट्स. Now, let us rewind. A slide layout refers to the general arrangement of the various components like text, titles, bulleted list and other objects on a slide. You can insert different objects in a slide to enhance its look and feel. Hum different object insert kar sakte hain. The word art feature allows you to create special or decorative text. The text box tool helps in adding more text than the area provided for entering the text in a slide. Shapes is a drawing feature that helps in inserting different shapes into a slide. You can rotate and resize any object in a presentation. In PowerPoint, you can add some additional objects like icons and 3D model. So it's very interesting chapter. I hope it's clear to you. Any problem, any query, we can discuss it. So now come to the exercise. Check yourself. A part, take the correct option. Dash refers to the general arrangement of the various components like text, picture, titles, etc. on a slide. So that is what? Layout. The second one, the dash tab contains the text box tool. Insert. B part. The third one, the format painter tool is present in the dash group. Which group? Clipboard group. The fourth one, the flip vertical option is present in the rotate drop down menu under the shape format tab. The fifth one, the picture option is present on which tab? It is present on insert tab. Okay, so now the next is Phillips. The first one, to delete a slide, right click on the slide in the slide navigation pane and click on the delete option. So right here, that is the delete option. The second one, the new slide option is present in the slides group. The third one, using the dash feature of PowerPoint, you can make the text curve, wavy, shadow or apply 3D effects to it. That is word art. Okay. The fourth one, dash is a drawing feature that helps in inserting different shapes into a slide. That is shapes. Okay. The C part, right, true or false? You can apply shadow effects to a shape. Yes, we can do. You cannot format the text created using word art. So this is false. We can format it. The next, you cannot align the text in a text box vertically. We can align it. So this is also false. Then the 3D models option is present in the illustration group. Yes, this is true. Now D, answer these question. Name the different option available in PowerPoint to insert a picture. तो आप picture insert कैसे कर सकते हैं अपने device से. So this device, stock image option भी था उसमें, online, okay. So these are different options. Now the second one, what is alignment of text in a slide? Alignment means to represent text on the screen. वो कैसे आ रहा है? Left आ रहा है या right आ रहा है या center है या justify है? So name two types of text alignments in a text box. That is vertical alignment. Vertical alignment. And the next is horizontal alignment.
वर्टिकल में क्या होगा, आप उसको टॉप में या टॉप सेंटर्ड या बॉटम बॉटम सेंटर्ड या मिडिल सेंटर्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट, ओके लाइक दिस. सो द थर्ड वन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट. टेक्स्ट को हम फॉर्मेट क्यों करते हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए. कोई हमें समझाना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस करना है, उस पर स्ट्रेस देना है, तो हम उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड आर्ट फीचर. वर्ड आर्ट फीचर की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को कर्वी बना सकते हैं, वेवी बना सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उसको शेडो कर सकते हैं. उससे वो एक तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, और एक जो हमें पॉइंट एम्फेसाइज जिसमें हमें स्ट्रेस देना है वो हमें और क्लियर हो जाएंगे. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर, इट्स वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग एंड डू प्रैक्टिकली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.